हाय गाइस, वेलकम बैक टू यमा टीवी। तो गाइस, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हनी बीज के बारे में। हनी तो आप सब लोग बहुत ही शौक से खाते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर ये नेचुरल हनी हो तो। गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मैं हनी बीज के बारे में। यानी यूरोप के अंदर पहले जो हनी बीज होती थी वो बहुत कम शहद जनरेट करते थे, जिसकी वजह से एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की जिसका इतना बुरा इफेक्ट आया और उसकी वजह से हजारों लोग अपनी जान से गए। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था और ये किस साइंटिस्ट ने किया था और ये कब हुआ था, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो बगैर देर किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये बात है 1957 की, जब एक ब्राजील के डॉक्टर वर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप के अंदर हनी बीज जो हैं वो बाकी कंट्रीज से कम हनी प्रोड्यूस करती थी। तो गाइस, इन्होंने साउथ अफ्रीका से कुछ हनी बीज मंगवाई और इन्होंने यहाँ की यानी ब्राजील की शहद की मक्खियों को लेके उसके डीएनए चेंज करके एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत अच्छा हो गया और इसके बाद जो हनी बीज बनी यानी जो डीएनए एक्सचेंज करके हनी बीज बनाई गई और अफ्रीकनाइज्ड बी के नाम से उनका नाम रख दिया गया। तो गाइस, थोड़ा वक्त गुजरने लगा और जैसे ही प्लान उनका एग्जीक्यूट हो रहा था और अब उन्होंने बस हनी बीज को छोड़ना था ताकि वो जाएं और जाके घर बनाएं। तो जैसे ही वक्त गुजर रहा था उनको ये फील हुआ कि ये जो हनी बीज है इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक लेबॉरेटरी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने एक ग्लास बॉक्स के अंदर इन बीज का जो है वो होम बनाया हुआ था, यानी जिसको वो छत्ता कहते हैं वो बना हुआ था। सो गाइस, टाइम गुजरने के साथ साथ इन मक्खियों का बिहेवियर बहुत अजीब सा यानी एग्रेसिव होने लगा, जिस पे उन्होंने सोचा कि अगर ये बाहर निकली तो ये अपने सामने आने वाले किसी भी शख्स को छोड़ेंगे नहीं, जो कि हमारे लिए बहुत बुरा साबित होगा। गाइस, इस बात को डिसाइड कर लिया गया कि अभी इन बीज को जो है वो रिलीज नहीं किया जाएगा, थोड़े वक्त तक इनको रखा जाएगा। लेकिन जो उनका डर था वो डर सच साबित हुआ और एक वर्कर से उनको फीड करते दौरान थोड़ी सी गलती हुई, जिस गलती के बदले एक बीज का बहुत बड़ा झुंड उस मिरर बॉक्स में से बाहर निकल गया। और उस मिरर बॉक्स से बाहर निकलने की वजह से उन्होंने फौरन ही उन वर्कर्स पे और सब पे अटैक करना शुरू कर दिया, जिस बात का डर था। लेकिन अब इन मक्खियों को हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, यानी इन बीज से हम किसी तरह से भी उनको सेफ नहीं कर सकते थे, ना इनको रोक सकते थे। ये बीज फौरन ही ब्राजील में गई और इन्होंने इर्द गिर्द अपने छत्ते बनाने शुरू कर दिए और इन्होंने अपनी रिप्रोडक्शन शुरू कर दी और ये एक काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ में आ गई। तो गाइस, वक्त गुजरने के साथ साथ ये ब्राजील के बाद यूरोप के बाकी शहरों में भी यानी अमेरिका में भी ये मक्खियाँ आ गई और इन हनी बीज का जो कलर है वो आम हनी बीज से ज़्यादा ब्लैक होता है। ये हनी बीज ब्लैक हो रही हैं। इसके साथ साथ गाइस, ये हनी बी इतनी डेंजरस होती हैं कि अगर इनके शहद के छत्ते के पास कोई आए भी, यानी 500 मीटर दूर भी कोई शख्स इनके ऊपर अगर अटैक करने का सोचे तो ये वहीं से उसको अटैक करके रोकना शुरू कर देती हैं और इस पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। इसके साथ साथ ही उस शख्स का तकरीबन हाफ किलोमीटर तक उसको चेस कर सकती हैं, उसको मारने के लिए कि उनके कौम तक कोई आ ना सके। इसके साथ साथ गाइस, आज तक ये अमेरिका के अंदर 1000 से ज़्यादा लोग मार चुकी हैं, जिनको इन्होंने टंग मारा है और उसको मारने की वजह से वो मर गए हैं। तो आम हनी बीज की तरह ये हनी बीज भी किसी को डंग मारने के कुछ ही सेकंड्स बाद मर जाती हैं। लेकिन ये बीज कैसी हैं और आम बीज किस तरह की होती हैं, इन सब चीज़ों को अब हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस, जो आम हनी बी होती है वो किसी भी शख्स को नुकसान तब तक नहीं पहुंचाती जब तक उनको डेंजर फील ना हो। लेकिन जो ये ब्लैक बीज होती हैं ये हर शख्स को अटैक कर देती हैं अगर वो उनके कौम के ज़रा सा भी नज़दीक आए।
इसके साथ साथ पता चलूँ कि जब मैं पॉलन ग्रेन इकट्ठा कर रही होती हैं तो वे किसी भी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाती हूँ, लेकिन अगर उनको कोई टच कर ले या उनके ऊपर कोई पाँव रख दे तो फिर वो उसको जो है वो डंग मारे बगैर सुकून से नहीं रहती। इसके साथ साथ मैं बताती हूँ कि किस तरह पता लगता है कि अगर एक हनी बी किसी के ऊपर अटैक करे तो बाकी सारी हनी बीज किस तरह आ जाती हैं। हनी कॉम्ब के बाहर जो है वो बहुत सारी हनी बीज हनी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये हनी जो है वो बेसिकली हनी बीज इस वजह से बनाती हैं जब ऑफ सीजन हो और पॉलिग्रेशन ना हो रही हो, तब वो इस हनी को अपने लिए यूज करती हैं और अपनी जिंदगी का गुसर बसर करती हैं। सो गाइस उस टाइम के लिए इनका ये सेफ हनी बी की हिफाजत के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट बीज जो हैं वो अपने हनी कॉम्ब के बाहर जो है वो हिफाजत कर रही होती हैं। जब कोई भी हनी बी जो है वो किसी भी शख्स को डंग मारती है तो उसके अंदर से एक प्रीनोमिनल जो है वो एक रिलीज होता है केमिकल नामी। उस केमिकल की स्मेल सुन के बाकी भी जो उस वक्त एज ए गार्ड काम कर रही होती हैं बीज, वो सब आके उस शख्स पे अटैक कर देती हैं और ये जो टॉक्सिक मटेरियल ह्यूमन बॉडी में रिलीज करता है वो टॉक्सिक मटेरियल जो है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर वो किसी ब्लड वेसल के पास हो, और वो जो टॉक्सिक मटेरियल है वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल होकर हमारी बॉडी में जाने लगे। अगर किसी मसल पर कटा हो तो फिर भी वो हमारे लिए इतना ज़्यादा बुरा नहीं होता कि हमारी बॉडी फ़ौरन ही हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो रिलीज़ कर देता है इस तरह के स्टिंग्स और इस तरह के केमिकल्स जो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए उसी दौरान तैयार हो जाते हैं। अगर जब भी आपको कोई भी हनी बी काटे तो उसका स्टिंग जो है वो लाजमी निकाल दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि हनी बी को काटते ही उसकी मौत क्यों हो जाती है, यानी हनी बी अगर किसी को स्टिंग मारती है तो उसकी मौत फौरन ही क्यों हो जाती है। ठीक है, इसके पीछे ये रीज़न है कि जब हनी बी जो है किसी भी शख्स को डसती है तो उसके जो जो पार्ट होता है जिससे वो डसती है वो उसी बॉडी के अंदर स्किन के अंदर रह जाता है, क्योंकि वो किसी नोकदार चाकू की तरह होता है जिसके इर्द गिर्द फिल्स टाइप होती हैं और वो बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर आके स्टक हो जाती हैं, वो निकलना मुश्किल हो जाती है। तो हनी बी जब उसको निकालने के लिए जोर लगाती है तो उसकी बॉडी का वो पार्ट यानी उसका स्टिंग जो है वो टूट जाता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर ही या एनिमल बॉडी के अंदर ही स्टक रहता है। ना सिर्फ वो टूटता है बल्कि उसकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स, उसके स्टमक का पार्ट और उसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो टूट के साथ ही गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी उसी वक्त डेथ हो जाती है। नॉर्मल हनी बीज जो हैं वो भी काफ़ी वक्त में अपना स्टिंग रिलीज कर लेती हैं, लेकिन जो ये ब्लैक बीज होती हैं ये सिर्फ 3 सेकेंड्स में अपना जो है वो जहर रिलीज कर सकती हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में। सो गाइस ये जो मक्खियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और इनकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, ज़रूरत से ज़्यादा। इस वजह से इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो अब मैं आपको बताती हूँ। चलिए, जो इनका यानी ब्लैक बीज का जो हनी कॉम्ब होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होता है, यानी ये नॉर्मल हनी कॉम्ब से साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और ये जो बीज होती हैं वो किसी परफ्यूम लगाए हुए शख्स या फिर कोई डार्क कलर पहने हुए शख्स और ज्वेलरी पे यानी चमकती हुई ज्वेलरी पे सबसे पहले अटैक करती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताई चलूँ, अगर ये किसी भी शख्स के ऊपर अटैक करती हैं तो 24 आवर्स तक इनका गुस्सा कम नहीं होता। ये जो है वो पागल हो जाती हैं और 24 आवर्स तक इनके सामने जो भी आता है उसके ऊपर ये अटैक करती हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कभी भी कोई ब्लैक बी काटने लगे आपकी तरफ आए तो आप एटलीस्ट जब तक 1 किलोमीटर दूर उस हनी कॉम्ब से नहीं चले जाएंगे तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर आप हनी बीज से बचने के लिए पानी में भी छलांग लगा देंगे तो भी ये ब्लैक हनी बीज जो है वो पानी के बाहर खड़े होकर अपने शिकार का इंतजार करती रहती हैं कि जब वो बाहर आए तो उनको डस दें। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव तो लगी ही होगी। मुझे ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी और मुझे बहुत कुछ ब्लैक हनी बीज के बारे में जानने को मिला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और मिलते हैं बहुत जल्द हम योमा टीवी की एक नई वीडियो के साथ।